तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि राजनीति में मत आइए, राजनीति आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो दोनों राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा एक बार नजरअंदाजगी के बाद कि हमारे डीएनए में हमें अभी भी लीडरशिप है। वी आर लीडर बाय चॉइस नॉट बाय चांस। राव जयमल जी राठौड़ जी जयंती समारोह में यहाँ पर उपस्थित महंत प्रतापपुरी जी के चरणों में नमन करता हूँ। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, ट्विटर स्पेस पर कई बार आपके साथ बतौर स्पीकर बात करने का मौका मिला, पर आज पहली बार खुद को खुश नसीब मानता हूं कि आपके बीच खड़े रहकर अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। जोधपुर से बतौर अभिभावक आदरणीय हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, इतिहास के ऊपर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर अगर बात रखनी हो तो राजनीति में मुझसे कहीं अधिक अनुभव और जीवन में कहीं अधिक तजुर्बे वाले लोग यहां विराजे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं सूरज को दिया दिखाऊं, उनका अपना अनुभव वो आप लोगों के बीच में रखेंगे। पर जब कभी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जयमल, पत्ता और कल्ला जी राठौड़ का नाम आएगा, तब तब हम सबका सीना फख्र से चौड़ा होगा। इतिहास के कुछ अंशों के बारे में मोती सिंह जी ने जानकारी दी, पर मैं यहां पर मेरा विषय समझता हूं कि बतौर युवाओं का प्रतिनिधि होने के नाते कुछ बात मेरी युवाओं के लिए रखूं तो वो शायद ठीक रहेगी। राजनीति और युवा और वर्तमान परिप्रेक्ष्य, हम किस प्रकार से आगे बढ़े। गोपाल सिंह जी इडवा साहब ने भले ही व्यंग्यात्मक तरीके से, परंतु वो बातें कही है जिन्हें हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं जोधपुर के चुनाव की बात करूं तो दोनों राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा एक बार नजरअंदाजगी के बाद हमारे लिए जरूरी था कि हमारे डीएनए में हमें अभी भी लीडरशिप है। वी आर लीडर बाय चॉइस नॉट बाय चांस। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हम लोगों में अभी भी नेतृत्व है, और सदियों से जिसको हमने नेतृत्व दिया है आप उन लोगों को भुला नहीं सकते। इसलिए युवा साथियों, आप लोग वैचारिक रूप से जितने बेलगाम होना चाहे हो सकते हैं, परंतु आप में धैर्य और संयम होना चाहिए। आप लोग वो लोग हैं जो किस विशिष्ट, क्या ऐसी आप में विशिष्टता है जिसके नाते आप 10 लोगों, 1000 लोगों के बीच में भी खड़े अलग दिखें, तो आपने वैसी आपकी योग्यता होनी चाहिए, वैसी आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके लिए आप ये प्रयास करें, क्योंकि आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है। हम रोज, हमारा साइंस अपग्रेड हो रहा है, विज्ञान हमें नए नए गैजेट्स दे रहा है, और हम हमारा अधिकांश समय शाम को 8 बजे 9 बजे जब खाना खा लेते हैं, उसके बाद 9, 10, 11 बजे तक मैं अक्सर देखता हूं मेरे कई साथी स्क्रीन पर लगे रहते हैं, टैप करते रहते हैं, और उनका अधिकांश समय मोबाइल में गुजरता है। ये ठीक नहीं है। आप खुद के किरदार को संवारिए, आप में जो योग्यता है वो आप उनके लिए प्रयास कीजिए। अभी राजनीति को लेकर एक चर्चा थी, एक बिंदु था कि राजनीति में आइए, पर राजनीति में तब आइए जब आप में लीडरशिप की क्वालिटी हो, जब आप में नेतृत्व की क्षमता हो, जब आपको लगे कि आप लोगों की पीड़ा हर सकते हैं, पीड़ा के पास जाकर उनकी बात समझ सकते हैं, तब राजनीति में आइए। अन्यथा घर सक्षम है, 4 पैसे हैं, और शौक के लिए अगर किसी को राजनीति करनी है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि राजनीति में मत आइए, राजनीति आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम लोग जब देखते हैं, बतौर विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष, हालांकि पिछले एक दशक में मुझे जहां तक याद है तो सबसे अधिक उम्र में जो छात्र संघ अध्यक्ष बना हूं, मैं ही बना हूं। एज क्राइटेरिया 28 साल का होता है और 27.5 साल उम्र है, और इससे पहले एक मुख्य धारा का चुनाव भी लड़ चुका हूं, जिला परिषद का चुनाव लड़ चुका हूं। तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों के बीच से निकलकर और वापस युवाओं के बीच जाने का जो अनुभव है, ये बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए युवा साथियों, सोशल मीडिया के वॉरियर बनना बंद करें, हर जाति धर्म समाज की इज्जत करें, सबको साथ लेकर चलें।
आप राजनीति और नेता तभी बन पाएंगे जब सबको साथ लेकर चल सकेंगे। निसंदेह आप नेता एक कौम के सहयोग से जरूर बन सकते हो, पर सही मायनों में आप नेता तभी कहलाओगे जब आप सभी को साथ लेकर चल सकोगे, आपने वो भावना होगी। हाँ, जब कभी भी स्वाभिमान की बात आए, जब कभी लगे कि मेरे लोगों को मेरी जरूरत है, तब वहां आपने वो बेबाकी भी होनी चाहिए। आप निसंकोच उनके साथ खड़े रहिए कि यहां मेरे स्वाभिमान की बात है, मैं इन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। और तब अगर आपको आपके राजनीतिक महत्व को भी दूर रखना पड़े तो रखिए। इसके अलावा एक और आपसे विनती थी, हमारे समाज के नेता भिन्न भिन्न राष्ट्रीय संगठनों में, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, और हम लोग उनसे अपेक्षाएं लगाते हैं, ये लाजमी बात है। अगर मैंने ये चुनाव ऐसे भाई से लड़ा, एक उदाहरण दे रहा हूं, और हमारे समाज के किसी नेता ने अपने संगठन की रात को 12 बजे पोस्ट डाली, सुबह पोलिंग है 8 बजे, और तब भी हमने सोशल मीडिया पर गालियां दी है, ये गलत बात है, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह सकता राजेंद्र जी राठौड़ को कि आप आइए एनएसयूआई का प्रचार के लिए, क्यों करेंगे वो? जिस पद तक पहुंचने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, और आप ही की बदौलत वो वहां पहुंचे, और हम